आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मरीन प्रोपल्शन सिस्टम्स के बारे में और समझेंगे कि भारत के पास इस समय क्या क्या ऑप्शंस हैं, और साथ ही समझेंगे कि GTRE कावेरी के मरीन वेरिएंट का क्या स्टेटस है। साथ ही वीडियो के आखिर में बात करेंगे रोल्स रॉयस के MT-30 इंजन के बारे में, जिसको लेकर एक प्रपोजल आया है रोल्स रॉयस की तरफ से। मॉडर्न वॉरशिप्स में ज्यादा पावर की आवश्यकता होती है, और उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए मरीन गैस टर्बाइन इंजन्स का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर गैस टर्बाइन इंजन्स अपने मैक्सिमम पावर रेटिंग पर सबसे ज्यादा एफिशिएंसी देते हैं, लेकिन इन इंजन्स की परफॉर्मेंस लो पावर रेटिंग पर बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, और इस कमी को दूर करने के लिए डीजल इंजन और गैस टर्बाइन इंजन्स का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। जहां डीजल इंजन्स का प्रयोग किया जाता है लो पावर रेटिंग्स पर, यानी कि जब शिप को बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं होती है, शिप एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा होता है, लेकिन जब सडन एक्सेलरेशन की जरूरत होती है, जो कि आमतौर पर वॉरशिप्स के साथ में होता है, कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर शिप को काफी जल्दी एक्सेलरेट करना है, तो वहां पर गैस टर्बाइन का प्रयोग किया जाता है। ये इंजन्स आमतौर पर कॉम्बिनेशन में यूज किए जाते हैं, और ये कॉम्बिनेशन अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन की होती है, जैसे कि कंबाइंड डीजल और गैस कॉन्फ़िगरेशन। इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन में एक डीजल इंजन होता है, दूसरा गैस टर्बाइन इंजन होता है, और जरूरत के हिसाब से दोनों में से एक इंजन का प्रयोग किया जाता है। इंजन को स्विच करने के लिए क्लचेस का प्रयोग किया जाता है। वहीं दूसरी कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है कंबाइंड डीजल एंड गैस। इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास मल्टीपल डीजल इंजन होते हैं, साथ ही एक गैस टर्बाइन इंजन भी होता है, और जरूरत के हिसाब से आप एक डीजल इंजन या दो डीजल इंजन या गैस टर्बाइन या जरूरत पड़ने पर इन सभी इंजन का प्रयोग कर सकते हैं। मॉडर्न शिप में एक और अप्रोच यूज की जाती है, जिसके तहत दो गैस टर्बाइन इंजन का प्रयोग किया जाता है, और क्रूज स्पीड में दो में से केवल एक इंजन का प्रयोग किया जाता है। वहीं जब इस शिप को मैक्सिमम पावर रेटिंग की आवश्यकता होती है, तो दूसरी गैस टर्बाइन को भी ऑन कर दिया जाता है। इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन हेवियर शिप में यूज की जाती है। भारत के केस में गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS कोलकाता क्लास पर इस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग किया जाता है। इस शिप में यूक्रेन की कंपनी जोरिया के मैश प्रोटेक्ट DT-39 रिवर्सिबल गैस टर्बाइन इंजन का प्रयोग किया जाता है। ये शिप ऐसे चार इंजन का प्रयोग करता है, और जरूरत के हिसाब से ये सारे इंजन ऑन ऑफ किए जा सकते हैं। यही कारण है कि ये शिप 15,000 किलोमीटर की रेंज रखता है 18 नॉट्स पर, वहीं इसकी मैक्सिमम स्पीड 30 नॉट्स तक जा सकती है। वहीं अगर बात की जाए भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे नीलगिरी क्लास की, तो इस क्लास के फ्रिगेट्स कंबाइंड डीजल एंड गैस कॉन्फ़िगरेशन का प्रयोग करते हैं। इसमें दो डीजल इंजन और दो गैस टर्बाइन इंजन है। डीजल इंजन मैन डीजल के इंजन है। ये इंजन है 12V28, और मैन डीजल एक जर्मन कंपनी है। वहीं गैस टर्बाइन इंजन जनरल इलेक्ट्रिक के हैं। ये इंजन है LM2500, और ये दोनों शिप्स भारत में बनाए गए हैं, यानी कि इंडियन शिपयार्ड्स के पास में इस समय कैपेबिलिटी है कि अगर उनको एक एफिशिएंट मरीन प्रोपल्शन सिस्टम मिलता है, तो वो और ज्यादा एफिशिएंट शिप्स बना सकते हैं, और यहीं पर MT-30 इंजन आता है। अगर भारतीय नौसेना के ऑप्शंस को देखा जाए, तो इस समय भारतीय नौसेना के पास में काफी ऑप्शंस हैं। भारतीय नौसेना रोल्स रॉयस के इंजन्स यूज कर सकती है, जरूरत पड़ने पर जोरिया के इंजन्स भी यूज कर सकती है, जो कि एक यूक्रेन की कंपनी है। ज्यादातर इंडियन नेवी के शिप्स में इसी कंपनी के इंजन्स हैं, लेकिन इन इंजन्स का स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, यानी कि ये इंजन सस्ते जरूर हैं, लेकिन ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करके कम पावर जनरेट करते हैं। वहीं जनरल इलेक्ट्रिक के LM2500 भारत में HAL बनाता है। भारत में इस इंजन को प्रोड्यूस करने के लिए HAL को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई है, लेकिन ये केवल लाइसेंस प्रोडक्शन है, यानी कि HAL के पास में इस इंजन की कोर टेक्नोलॉजी को लेकर कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है। वहीं अगर बात की जाए देसी कावेरी इंजन की, तो बीच में बात शुरू हुई थी कि इस इंजन को एक मरीन इंजन बनाया जा सकता है। इनफैक्ट इसको एक मरीन इंजन बनाकर टेस्ट भी किया गया है। KMGT यानी कि कावेरी मरीन गैस टर्बाइन इंजन राजपूत क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स के अपग्रेड प्रोग्राम के लिए बनाए जा रहे थे, लेकिन इस प्रोग्राम में GTRE को सक्सेस नहीं मिली। इस इंजन की पावर रिक्वायरमेंट 12 मेगावाट की थी, और ये इंजन 12 मेगावाट जनरेट करने में सक्षम है, लेकिन इसका सस्टेनेंस टाइम बहुत कम है, यानी कि ये इंजन ज्यादा देर तक अपनी मैक्सिमम पावर रेटिंग पर नहीं चल सकता।
और इसी वजह से भारतीय नौसेना के शिप्स के लिए फिलहाल ये इंजन यूज नहीं किया जा सकता। हालांकि आने वाले समय में जब DRDO का इंजन कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो जाएगा तो इस प्रोग्राम के ऊपर दोबारा काम शुरू किया जा सकता है। वहीं अगर बात की जाए MT-30 की तो इसको लेकर जो ऑफर आया है वो काफी इंटरेस्टिंग समझ में आ रहा है, लेकिन अभी इस ऑफर को लेकर बहुत ज्यादा डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं है। किशोर जयरामन जो प्रेसिडेंट हैं रोल्स रॉयस इंडिया और साउथ एशिया के, अभी ये बयान उनकी तरफ से आया है और उनका कहना है कि वो कोलैबोरेट करना चाहते हैं भारत के साथ में को क्रिएट और को मैन्युफैक्चरिंग के लिए, लेकिन अभी इंजन की टेक्नोलॉजी को लेकर कंट्रोल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है और जब ये इन्फॉर्मेशन निकल कर बाहर आएगी तभी एनालाइज किया जा सकेगा कि क्या ये ऑफर अच्छा है या फिर से भारत को इंजन के नाम पर घुमाया जा रहा है। आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।